कहाँ लगे हुए, बहुत लंबा लगे, एक कर ले, यही बैठना है संगीता, इधर ही बैठना है। बैठने के बाद राइट राइट में मैं कितनी खुश थी मेघना, ये जानकर कि उस रात जो कुछ भी हुआ तुमने कुणाल को नहीं बताया। मुझे लगा कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। बाबू बातें मत करने वाला वहां पे। रोलिंग बस रोलिंग ये इधर मत फेंक, सब लेंस में आ रहा है। एक्शन। मुझे लगा कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। ये लड़की जानती है कि जो कुछ भी घर में हुआ उसे घर में ही रहना चाहिए, अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए। पर उस दिन अवार्ड फंक्शन के दिन तुमने, अच्छा लगा तुम्हें ये सब करके, खुश होना तुम, एक बेटा अपने पति, खुश होना तुम। साइड का आगे ले। एक्शन। अच्छा लगा ना तुम्हें ये सब करके, खुश हो ना तुम, एक बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा, मुंह फेर के चला जा रहा है, अच्छा लगा ना। एक बहू से मेघना सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती है कि चाहे वो कितनी भी बिखरी हुई हो, हर हाल में वो अपने घर को समेट के रखेगी। पर मैं तो भूल ही गई थी कि जमाना तो बदल गया है, आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, घर में कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेघना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सिर्फ मेरी है, मैं पागल हूं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप एक बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी पत्नी और एक बहुत अच्छी बहू हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप तो एक बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी पत्नी और एक बहुत अच्छी बहू हो। कम लोगों में इतना पेशेंस देखने को मिलता है जितना आप में है। घर टूटे ऐसा चाहने वाले संस्कार नहीं है हमारे। मेघना अगर तुम चाहती हो ना कि ये घर ना टूटे, जाओ जाकर कुणाल से। घर टूटे ऐसे चाहने वाले संस्कार नहीं है हमारे। एक रोज बनने लगा। एक्शन। और घर टूटे ऐसा चाहने वाले संस्कार नहीं है हमारे। मेघना अगर तुम सचमुच चाहती हो कि ये घर ना टूटे तो जाओ कुणाल को जाकर समझाओ, उसे बताओ कि ऐसे गुस्से में रिश्ते नहीं टूटते। देख गलती चाहे किसी की भी हो पर वो पिता है उसके, कुणाल को उनसे बात करनी ही होगी। मेघना तुम देख रही हो ना उन दोनों के गुस्से की वजह से कैसे घर का माहौल बदल रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, घर में बदलाव की हवा सी चली और कितनी अच्छी बात है ना। आप हैरान मत होइए ना, ये लास्ट वाला हवा सी चली, घर में बदलाव की एक हवा सी चली है और ये तो अच्छी बात है ना। हैरान मत होइए माँ और सोचिए कि पापा ने आज तक यही समझा कि आप कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए आपसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, और उनकी इस गलत बात को इतने सालों तक आपने सही बना कर रखा, लेकिन आज उन्हें आपकी जरूरत पड़ी है और उन्होंने आपसे मदद मांगी है माँ। फ्लैश आया। सुनील ने आके बोला कि मुझे मेरे बेटे को अपने हवाले कर दो। इसी बहाने उन्होंने भी ये जगह
मारा नहीं इसको। और हाँ, आज पापा ने आपसे कुछ मांगा और वो चीज आप ही उन्हें देंगे। मैम स्लाइड ले नहीं नहीं मैम थोड़ा ले एक टर्न यूजुअल हो जाए मैं खुशी से बट फाइन थोड़ी ड्रेस एकदम फ्लॉन्ट करेंगी होली सेलिब्रेशन मेघना के लिए बहुत अच्छी है। पहले मैं संगीता की बता देती हूँ कि संगीता ने पिछले कई सालों से होली नहीं खेली थी, लेकिन इस साल वो सारे जितने साल नहीं खेली थी सबकी कसर पूरी हो गई है। और मेघना होली पे मेघना ने एक कसम ली थी और इसीलिए ये उसके लिए बहुत स्पेशल है। वो उसने उसकी कसम थी कि इस साल अपनी सास की बेइज्जती नहीं होने देगी और इनके से ही उनका सम्मान करवाएगी। तो कुछ हद तक उसने अपनी कसम को पूरा कर भी लिया, इसीलिए बहुत खुश है। और ये होली इनफैक्ट पूरे चौहान फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल है। जी 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 तो क्या हुआ? मेघना थोड़ी इम्पल्सिव है, कभी कभी गलतियाँ कर देती है, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं है। वो चाहती
सबका भला ही है। तो ऐसी एक छोटी सी गलती मेघना से हो गई थी जो आप अभी जो आपने एक्चुअली कल के एपिसोड में देखा ही होगा, उसने कुणाल को बता दिया सब कुछ। और उसके बाद दो भाइयों के बीच में जो हुआ उससे मेरी सास अपसेट थी, तो उसी की माफ़ी मैंने उनसे अभी मांगी और वो बहुत खुश भी थी उसके बाद। बहुत हमने शुरू ही किया था यहाँ पे, बहुत अच्छी होली मनाई गई है, आप प्लीज़ देखिए, मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहती हूँ बट हाँ बहुत कलरफुल रही और ऐसी कलरफुल होली मैं चाहती हूँ आप लोग भी, आपकी लाइफ ऐसी कलरफुल रहे। सॉरी होली तो जा चुकी है इस साल की, बट नेक्स्ट ईयर के लिए हाँ आई हैव एन्जॉयड अ लॉट। पाँच ये चौथा दिन है हमारा सेम कॉस्ट्यूम में, चौथा या पाँचवा, ओके आई फॉरगॉट सो बट आई एम एन्जॉइंग अ लॉट। और अभी भी इतने सारे हम जो शूट कर रहे हैं, कहानी इतनी दिलचस्प हो गई है, इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं, आप देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। स्वाभिमान का टीआरपी भी बहुत अच्छी हो गई है अभी, अभी मिठाइयां भी बढ़ रही थी जी आज तो मैं कुछ और भी मांगती तो मुझे मिल जाता, लंच के बाद मेरा मन कर रहा था कुछ मीठा मिल जाए और मिल गया सो हाँ टीआरपी बढ़ गई। आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है और सबके लिए ये बड़ी सफलता है और थैंक गॉड फॉर दैट। सबसे पहला जब आपने जैसी टीआरपी की बात की मन में आया थैंक गॉड, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इतना आपको प्यार मिला तो अपने लवर्स अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? हम हमेशा ही कहते हैं कि आपका बहुत प्यार मिल रहा है और सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत अच्छा लगता है ये जान कर के इतना प्यार कर रहा है आपको कोई, आपको लोग चाहते हैं, आपके कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, आपको काम को पसंद किया जाता है और सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, रियली मीन इट। एंड हम सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे और बस आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।